और दोस्तों मेरे साथ कल क्या सीन हुआ है मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या गंदा पोपट हुआ है। बट यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है भाई, व्लॉगर की तरह सोचना पड़ेगा, जहाँ कोई अच्छा स्पॉट मिले रुक जाओ चुपचाप। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम बैक विद एट अनदर वीडियो। सो बाइक अपने हो गई है कोल्ड स्टार्ट, आज है सैटरडे और हम निकल रहे हैं राइड के लिए। तो कोल्ड स्टार्ट अब मैंने कर दिया, टाइम हो रहा है 6:52, राइड आउट का टाइम था 6:30, बट मैं लेट हो गया हूँ, तो बस जल्दी से निकलते हैं और आपसे ले मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो दोस्तों प्रणव को मैंने उठा लिया उसके घर से और हम निकल गए हैं गुरुद्वारे की तरफ। तो आज मैं और मेहुल भाई राइड कर रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है, तो बाकी और कोई ग्रुप मेंबर अपना जो है, जो ग्रुप है छोटा सा, उसमें से बाकी सब लोग काम में बिजी थे। तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल रीज़न की वजह से राइड कर रहे हैं, वो आपको आगे रीज़न पता चल जाएगा। बट आज हम लोग जा रहे हैं गिरनारी वापस, एंड देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, वो हम लोग आपको आगे बता देंगे। बट अपने वापस मिलने वाले हैं वही अपने मीटिंग पॉइंट पे, गुरुद्वारा साहिब इज़ ऑन द लेफ्ट, रजवाड़ी चाय ऑन द राइट। सो विल बी, अरे अभी मेहुल भाई भी पहुँचे नहीं है, मेरे को तो लगा था कि मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं लेट उठा था थोड़ा, बट वी आर ऑन टाइम। सो बस अभी यहाँ रुकते हैं और मेहुल भाई का इंतज़ार करते हैं। टाइम हो गया है 7, हमारा राइड आउट का टाइम 6:30 था, बट मैं ही लेट उठा हूँ। तो अभी मेहुल भाई का इंतज़ार करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। सो दोस्तों रेयर व्यू मिरर में आपको मेहुल भाई तो दिख सकते होंगे, उनकी फ्लड लाइट चालू है। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, वो आ गए बिल्कुल, हम लोग एकदम ऑन टाइम आगे पीछे ही आए हैं, तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं गिरनारी, बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं होने वाली है, इट्स लाइक हार्डली हमारे लिए वो आधा घंटे का वन साइड स्पिन है, तो मतलब 50 किलोमीटर्स जैसा है। एंड इट टेक्स अस अराउंड व्हाट 20-25 या 30 मिनट्स अराउंड, उतना टाइम लगता है अपने को। और दोस्तों मेरे साथ कल क्या सीन हुआ है मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या गंदा पोपट हुआ है। मतलब मैं, प्रणव और हम लोग के और 2-3 दोस्त, हम लोग सब मिले थे रात को चाय के लिए, तो हम लोग गए चाय पीने और उसके बाद वहाँ बैठे थे। तो मैं प्रणव को ऐसे दिखा रहा था कि भाई हमारा ना सब्सक्राइबर काउंट अच्छा हो गया है, एंड देख हम लोग 1000 सब्सक्राइबर हम लोग का हो गया, मतलब माइलस्टोन हो गया मेरा। और मैं वहाँ से हम लोग घर के लिए निकले, घर पहुँचा हूँ और घर जाके क्या देखता हूँ कि मैं सबको बहुत खुशी से बता रहा हूँ घर पे कि अरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। सब लोग बहुत खुश, सब बोल रहे हैं केक काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। केक क्या काटेंगे यार, घर पहुंचा उसके बाद देखना चालू किया तो भाई एक एक करके सब्सक्राइबर वापस अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो समझ नहीं आया क्या हुआ। बट वी आर बैक ऑन 996 सब्सक्राइबर्स, तो पता नहीं लोग क्या करते हैं यार, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो अनसब्सक्राइब मत करो, बट ठीक है आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन। हम जैसे डाल रहे वीडियोस वैसे डालते रहेंगे। तो बस अभी निकल चुके हम लोग गिरनारी के लिए और अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, रास्ते में सनराइज़ होगा। तो अभी वही स्ट्रेट हाईवे, आप लोगों को पता ही है गिरनारी हम लोग पहली बार तो जा नहीं रहे हैं, तो गिरनारी जा क्यों रहे हैं वो मैं आपको गिरनारी जाके ही बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, अभी स्ट्रेट हाईवे कुछ ज़्यादा हो है नहीं दिखाने के लिए, इन केस अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं पोर और हम लोग को लगे हैं आई गेस 10 मिनट यहाँ पहुंचने में, और टूवर्ड्स आर लेफ्ट यू कैन सी सनराइज़ हो रहा है मस्त प्यारा सा, एक बहुत अच्छी जगह दिखी थी मेरे को रास्ते में, बट अब हम लोग उतनी स्पीड पे थे कि यार अभी रुकने का कोई लॉजिक नहीं बनता फ़ोटोज़ खींचने के लिए, तो हम लोग निकल गए आगे। बट यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है भाई, व्लॉगर की तरह सोचना पड़ेगा, जहाँ कोई अच्छा स्पॉट मिले रुक जाओ चुपचाप, कुछ हो या ना हो तभी आपकी फ़ोटोज़ को फीचर करेंगी कंपनीज भी। मतलब मैं देख रहा था
इंडिया ट्रायम्फ और ये इंडिया ट्रायम्फ या फिर जो ऑफिशियल ट्रायम्फ के पेजेस हैं, अगर मैं उनको टैग भी करूँ अपनी फ़ोटोज़ में तो भी रीशेयर नहीं होती, बट उनके साथ मेरी जो पुरानी पुराने बोला बाली है वो अलग है, तो शायद उसकी वजह से ना करते हो शेयर। तो वो सब चीज़ें हैं, तो अभी भी ब्लॉगर का माइंड सेट नहीं आ पा रहा है, बट ठीक है जो भी है जैसा है ऐसा ही रहने वाला है और ऐसा ही रखेंगे अपने मस्त, तो कोई इशू नहीं है अपने को। तो बस अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद वापस, अभी अगेन वही स्ट्रेट हाईवे है, तो मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए गिरनारी और ये रहा अपना स्पॉट, अब जाके सीधा टी पोस्ट पे रुकेंगे। टी स्पॉट बोल रहा था मैं, दिमाग ख़राब हो गया। तो अपने को टोटल लगा आधा घंटा पहुंचने में, अराउंड 33 मिनट्स। तो बस यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि हम लोग क्या करने आए हैं, एग्जैक्टली यहीं क्यों राइड करी आज हमने, हम कहीं और क्यों नहीं गए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा दोस्तों ये आगे अपनी चाय, ये रहे मेहुल भाई का नया हेलमेट, इसमें अब अपने को करना है सेना फिट, चाय पीते हैं और फिर सेना फिट करना चालू करते हैं। और ये रही अपनी बाइक है, अभी नाश्ता वास्ता मंगवाते हैं और फिर चालू करते हैं इस पर काम। दोस्तों ये रहा सेना 50S, इन्होंने ड्यूअल पैक मंगवाया हुआ है, तो ये अपने को अब फिट करना है ये वाले हेलमेट पे। तो बस अभी निकालते हैं इसको, अनबॉक्स करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों अपना नाश्ता आ गया और अपने पूरा टेबल घेर लिया है, ये रहा हेलमेट, इस पे काम चालू करते हैं, पहले नाश्ता करते हैं फिर काम चालू करते हैं। देखो भाई आजकल के नौजवान ब्लॉगर बन रहे हैं ये लोग, ब्लॉग करते समय पीजी रखते हुए बट बिहाइंड द सीन्स काफी आर रेटेड कंटेंट बनाते हैं ये लोग। बस बंद करते, बंद करने को कह रहे हैं, बंद करना। चला चला जान दे यहाँ से, इतना छोटा दिखता होगा ना। हाँ सही में छोटा दिख रहा बिल्कुल बाइक पे। चलानी आती है पर डर लगता है। अभी हमारे प्रणव भाई साहब रैली प्रो ट्राई कर रहे हैं। अभी चालू करनी नहीं आ रही भाई साहब को बाइक। दोस्तों सेना लग गया है, ये रहा कुछ फाइनल। दोस्तों अपना नाश्ता वास्ता हो गया है, चाय वाय पी ली है, मेहुल भाई का सेना भी सेट हो गया है, अब बस मेहुल भाई के साथ कनेक्ट करेंगे सेना और गप्पे मारते हुए निकल जाएंगे घर।
और यहाँ पे भी हम लोगों ने टी पोस्ट वालों से, आजू बाजू वाले सारे वेंडरों से सब सब्सक्राइब करवा लिया है। 1000 तो करवाने थे कैसे भी, तो हो गए डन। तो सेना हो गया अपना सेट, और सेना कनेक्ट भी कर लिया मेहुल भाई से, और अब निकल रहे घर। तो बस अभी निकले हैं यहाँ से घर, अभी ऐसा और तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, तो घर के आसपास पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो दोस्तों हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट बड़ौदा। सो आई होप आप लोग को इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा, इस छोटी सी वीडियो में मज़ा आएगा। अगर आप लोग को मज़ा आया तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम राइड सेफ गाइस।